पे अचानक से दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों क्यों यहाँ पे, और यहाँ थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है देखो। तो क्या हाल है दोस्तों, ब्लडी टैक्स से एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे हॉरर चैलेंज वाले वीडियो में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा चैलेंज, क्या सुन रहे हो? चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही आप लोग आवाजें सुन सकते हैं अगर आप लोगों को आ रही होगी तो। टक्कू भी भौंकने के मूड में आ गया है, टक्कू भी भौंकने के मूड में आ गया है। ये कुत्ते रोने की और कुत्ते भूखने की आवाज थी, रोने की और थोड़ी सी ऐसा कुकू टाइप के और जैसा वो ऐसा रोता, और विश्वास नहीं मानोगे टक्कू भी पूरा भौंकने के जुगाड़ में था। पता नहीं क्यों। खैर आज हम लोग कौन सा चैलेंज करने जा रहे हैं? अभी हम लोग करने जा कौन सा चैलेंज है? अच्छा चैलेंज का नाम ही भूल गई। आज हम लोग करने जा रहे हैं घोस्ट, ये बंद कर दो यहाँ से, तुम्हारे दिमाग में घोस्ट आ गया मुझे ऐसा लगता है। आज हम लोग करने जा रहे हैं घोस्ट पेपर चैलेंज, और ये जो द घोस्ट पेपर चैलेंज तो बहुत खतरनाक है, सुना है ये जो द घोस्ट पेपर चैलेंज है, सुना है कि हम लोगों ने किए ही हैं बहुत टाइम पहले, क्योंकि मुझे याद नहीं है ढंग से वो, और उस समय कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जो बहुत ही ज्यादा घटिया और बहुत ही ज्यादा खराब था, जिसको हम लोग अपने वीडियो में भी शेयर नहीं कर पाए थे, वीडियो में भी डिस्कस नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था, इसलिए हम लोगों ने सोचे कि क्यों ना आज हम लोग फिर से उस चैलेंज को अंजाम दें। और कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर गाइस ये बता देना कि आप लोगों ने क्या क्या फील किए, क्या क्या देखे, क्योंकि हम लोगों का ध्यान पूरे टाइम कहाँ रहता है, वो चैलेंज करने में रहता है, तो इसलिए हम समझ नहीं पाते, कई सारी चीजें छूट जाती है, कुछ भी क्रीपी आवाज या चीज दिखाई दे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम दोनों की अगर हम लोग कमेंट में कम्युनिकेट ना कर पाए, तुम ना ऑफ टॉपिक बहुत चले जाते तुम्हारी बात ही है। अरे मैं खो गई थी, मैं इमेजिन करना कैसे बैठ के करेंगे रिचुअल, कैसे स्टार्ट करेंगे, मेरा उधर चला गया था, मैं फोकस करना भूल गई कि यहाँ पे तुम इंस्टाग्राम को भाषण दे रहे हो। तो अगर आप लोग अगर हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली आप वहां पर पहुंच जाना। पहली बार हमें देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग रात के टाइम देख रहे हो मेरे मुंह में मारते हुए 3:25 3:25 में ये मेहनत कर रहे हैं, ये कारनामा करने जा रहे हैं घोस्ट पेपर चैलेंज At 3 AM, और इस घर में वो पहली बार करने जा रहे हैं, मतलब घोस्ट को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में, उस चैलेंज को पहली बार करने जा रहे हैं इस घर में। अब वो चैलेंज क्या है इसके बारे में जी थोड़ा बता देते हैं। ये दरअसल एक ऐसा चैलेंज है, इस चैलेंज के जरिए आप एक किसी आत्मा से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक आत्मा से आप लिखावट के तौर पे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक पेपर की, एक पेन की, पेन नहीं पेन की, और दो कैंडल्स की जरूरत पड़ती है, जो आपको घर के मेन दरवाजे के सामने, मतलब घर के मेन दरवाजे के अंदर आप बैठेंगे, और बिल्कुल किनारे में यहाँ पर आपको कैंडल्स लगानी होगी, कैंडल्स के बीच में आप लोग बैठेंगे यहाँ पे। करने के लिए दो लोग या फिर सिंगल पर्सन में भी किया जा सकता है, और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं, कुछ ऐसी चैंटिंग्स होती है जिनका उच्चारण किया जाता है, और उसके बाद माना जाता है कि वो क्वेश्चन जिसमें आपने लिखे, खैर अभी मैं बताऊंगा नहीं, सिरे करके दिखाऊंगा, लेकिन बोलते हैं कि उसमें लिख के बात करेगा घोस्ट भी। तो क्या, तो अब वो घोस्ट कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, हिंदी इंग्लिश मराठी क्या होती है मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि बार बार हमारा कैमरा कट के हो जा रहा है, ये तीसरी बार हुआ है कि कैमरा रुक गया है, अपने आप रिकॉर्डिंग बंद हो जा रही है, वीडियो स्टार्ट करने से करते से ही हमें कुत्ते रो रहे थे, टक्कू भौंकने के जुगाड़ में था पूरी तरह से। तो खैर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस बार का, इस समय का माहौल कि हम लोगों ने पूरा रेड लाइट करके रखे हैं, और जो रेड लाइट से ये घोस जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस वजह से पूरे घर में लाल लाइट आप लोगों को दिख रही है। और चलो अभी ज्यादा बात नहीं करते, मैं सेटअप जमाता हूँ और फिर से वापस से स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी होगा तो आपको दिखाई दे रहा है। टक्कू हमें हिंट जरूर करेगा, क्योंकि जो आत्माएं होती है, जो अलग एनर्जीज होती है, वो सबसे पहले इन्हें दिखाई देती है, ये महसूस कर सकते हैं और अपने ओनर को सतर्क कर देते हैं भौंक के या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज करके जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल नहीं होती और उनके लिए भी नॉर्मल नहीं होती है। तो हमें फिक्र करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस रिचुअल के, तैयारी करते हैं, मतलब फिर आपसे मिलते हैं। ओके चलो।
डर गए ना यार। मैंने अभी शूटिंग मैंने सोचा कि बोलने वाला तुम है कर दिया, मेरे को थोड़ा डर लग गया। तुम भी डर गए। खैर अभी मैंने क्या किया हूँ, ये पूरी मैंने सेटअप कर लिया हूँ और मैंने पहला क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। मुझे सिर्फ दो ही लैंग्वेज लिखना आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। इस वजह से मैं दो ही लैंग्वेज में लिख पाया, लेकिन आत्माएं जो होती है वो फीलिंग से कनेक्ट होती है ना कि लैंग्वेज से। तो हम कोई भी तीन क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, सिर्फ तीन क्वेश्चन, और हम कंटिन्यू पहले क्वेश्चन के जवाब मिलने के बाद ही कर पाएंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज हम लोग इस चैलेंज को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। खैर अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोगों ने दो कैंडल्स लगा दिए हैं और अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको हम बाहर की तरफ आधा रख के कुछ मंत्र पढ़ेंगे और तीन बार एक साथ पढ़ना है जी। तीन बार एक साथ, समझ रहे हो, पिछली बार जैसा नहीं करना है, एक साथ पढ़ना है। और जब जैसे तीन बार पढ़ के हो जाएगा उसके आगे का मैं आपको सीधे दिखाता हूँ। चलो अभी हम इसे आधा बाहर की तरफ रख देते हैं। उम्मीद है कि नोटिस हो जाना चाहिए कैमरे में। मैं थोड़ा पीछे हो रहा है। मैंने आधा बाहर और इसे आधा अंदर रख दिया हूँ। अब जिया तीन बार एक साथ हमें ये मंत्र पढ़ना है, ठीक है? 3, 2, 1 ये दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये 3, 2, 1 स्टार्ट। Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. अभी तीन बार एक साथ हमारे दरवाजे को हमें knock करना है। तीन बार दरवाजा knock। साथ में। अब हमें वेट करना होगा कि वो स्पिरिट इस पेपर को अपनी तरफ खींचे और अपना जवाब उस पेपर में लिख के वापस अंदर करे। बहुत ज्यादा बढ़िया। मुझे नहीं पता कि कुत्ते अचानक से क्यों भौंकना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अचानक से कुत्तों ने भौंकना शुरू किया हमारे थर्ड नॉक पर ही। मैं नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन तुमने कर लिया था शायद। और टक्कू भी उठ के पता नहीं उस तरफ जा रहा है, विंडो की तरफ। अभी मैं कैमरा हिला नहीं सकता क्योंकि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है और विंडो अभी बंद है तो वो देखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत नॉनस्टॉप कुत्ते भौंकना चालू कर दिए थे थर्ड नॉक के बाद से ही। बहुत लाउडली भौंक रहे थे, लाउडली भौंक रहे थे और कैमरे में भी कैप्चर हुई होगी आवाज, मुझे यकीन हो सकता हुई होगी। अभी देखो कि इसे वो स्पिरिट अपनी तरफ खींचती है या नहीं। अभी हम वेट ही कर सकते हैं, वेट करके देखते हैं यार। बहुत हमने पिछली बार भी ये चैलेंज किए थे और उस चैलेंज के दौरान जो कुछ इतना गंदा और घटिया फील हुआ था, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जिसे हम अपने कैमरे के सामने जिक्र नहीं कर पाए थे, डिस्कस नहीं कर पाए थे और हमने आज तक नहीं किए, क्योंकि फिर लोग बोलते हैं कि हम लोग फेक बोल रहे हैं या फिर हम लोगों के दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कुछ चीजें होती है जो हम लोग कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि शायद वो चीज इस चैलेंज के साथ कनेक्टेड नहीं थी, वो चीज शायद किसी और चीज से कनेक्टेड थी, लेकिन थी पैरानॉर्मल दुनिया से ही। हमने जानबूझ के जिक्र नहीं किया और हमारी बहुत शुरुआत थी इसलिए हम लोग जिक्र नहीं करते थे, और वो टाइम पे तो और ज्यादा डर लगता था। ज्यादा डरते थे, बहुत ज्यादा सोचते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब जो एक्सपीरियंस होता है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। अभी हमने पेपर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था, उम्मीद है कैमरे में तो सब कुछ रिकॉर्ड हो ही रहा था। अभी मैं वापस फुल पार्ट जो लिखा हुआ अंदर रखा था, मैं बाहर रखा था उधर, नहीं वो मैंने थोड़ा सा ये मोड़ा हुआ हूँ किसी वजह से, लेकिन अभी भी ना ही पेपर उस तरफ खींचा और ना ही कुछ जवाब लिख के आया। आगे पीछे देख लेते हैं थोड़ा, देखते ये बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। Is there any spirit around us? क्या हमारे आसपास कोई आत्मा है? तो इसका कोई जवाब हमें नहीं मिला है। एक काम करते हैं, कैंडल फ्लिकर हो रही है पता नहीं क्यों, ये वाली ज्यादा हो रही है, ये वाली। कैमरे का अभी एक काम करते हैं, कैमरे को अपन थोड़ा पास में लाते हैं और फिर ये चीज करते हैं। तो जिया
फिर से हम मंत्रों का उच्चारण करेंगे है ना। फिर से कोशिश करते हैं कि मतलब अभी देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता है। हाँ चलो, तो एक बार मैं अनलॉक कर देता हूँ क्योंकि मैं मंत्र भूल गया हूँ, और एक बार मंत्र पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेटर फिर से कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, साथ में करते हैं। स्पिरिट ऑफ द डोर, आई वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर, आई वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू। स्पिरिट ऑफ द डोर, आई वेलकम यू, make yourself present and come through. बहुत ज्यादा शांत माहौल, और टाइम भी काफी आधी रात से भी ज्यादा हो चुका है, और अभी तक बहुत गलत टाइम पे अपन कर रहे हैं, मतलब एकदम मेन टाइम पे, और अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं। शांत रह के भी देख लिए, बोल के भी देख लिए, लेकिन अभी तक इस पेपर को किसी ने भी अपनी तरफ बाहर नहीं खींचा है। किसी ने नहीं खींचा। ये घोस्ट पेपर चैलेंज ऐसा चैलेंज है जिसे बहुत कम लोगों ने इंडिया में किया है। हाँ। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बहुत कम लोगों ने किए हैं। हम लोग ऐसे चैलेंजेस हमने किए हैं अक्सर, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोग ऐसे और भी चैलेंजेस देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोगों को पता है और इस दुनिया के सामने नहीं आए हैं। ये कुछ ऐसी स्टडीज हैं जिस चीज की मैं कर चुका हूँ, इस वजह से वो जानकारी मुझे मिली है, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो चैलेंज, मतलब जो गांव वाव में होती है बहुत सारी चीजें जो चैलेंज करते हैं लोग, उस टाइप का भी है। हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा किसी भी तरह से ये मकसद नहीं होता है कि हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दें। एक तरीके से हम लोग ये चीज मनोरंजन के लिए करते हैं, आपके मनोरंजन के लिए। एक दूसरी तरीके से कॉमेडी करके तो हर कोई मनोरंजन करता होगा आपका, या फिर एक्शन फिल्म्स दिखा के, सस्पेंस फिल्म्स दिखा के, लेकिन इस तरह के मनोरंजन करने वाले कम ही लोग मिलते हैं। तो हमने इस चीज को चुना और सोचा कि यार ये भी तो एक तरीका हो सकता है आप लोगों को एंटरटेन करने का, भले ही इस चीज से हमें कितना भी नुकसान हो रहा हो, कितनी भी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हो। बहुत बौकर है। इस चीज से भले हमें कितनी भी प्रॉब्लम फेस करनी हो, लेकिन आप लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं। और अभी भी आपने टाइम देखे ही कितना हो रहा था, और अभी भी आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में भी टाइम। अब मैं क्या आप लोगों को झूठ बताऊं, यहाँ पे अचानक से दर्द होने लगा, पता नहीं क्यों। क्यों? और यहाँ थोड़ा ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है, देखो। अभी मैं नोटिस, ब्लैक तो दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे पहले का छोड़ भी हो सकती है। नहीं ऐसा मतलब ऐसा खींचने टाइप, ऐसे स्किन खींचती है उस टाइप लग रहा है यहाँ पे, जैसे स्किन। हाँ मैं एक चीज तुमको बताना भूल गया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं तुमको बताने से दिमाग से चूक गया। ये जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था ना, मैं एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। जब यार ये तुम डरा देते हो यार, क्लियर बोलो जो भी बोलना है। जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे ना अपन, हाँ। तो कैमरा सेट कर रहा था मैं इधर, हाँ। तो मैं ऐसे ही सेम ऐसे ही बैठा हुआ था, हाँ। ऐसा देखो आप देख पा रहे हो, ये मैं ऐसा करके बैठा हुआ था, हाँ। अचानक से मेरा जो पैर का ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, मुझे ऐसा लगा किसी ने ऐसा ऐसा करके छुआ है, लिटरली मुझे ऐसा लगा था। तो फिर मैंने ऐसा नीचे ऐसा करके देखा भी, कहीं कोई पॉलिथीन वगैरह तो नहीं है जो फंस गई, या टक्कू का कुछ कपड़ा उपड़ा फंस गया हो। लेकिन घर में तो कहीं पॉलिथीन पड़ा ही नहीं, फंसेगा कहाँ से यही पैर में। यही की बात है, ये देखो यहाँ पे मैं बैठा था और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने सोचा कुछ है तो नहीं, लेकिन नीचे झुक के देखा तो कुछ भी नहीं था, और लिटरली ऐसा मतलब ऐसा किसी ने पकड़ा ऐसा वाला फील हुआ था मुझे। जैसे मैंने बताई थी कि जब मम्मी पापा साथ में घूम रही थी, ऐसा मुझे लगा तो किसी ने ऐसे लाया हाथ और ऐसे किया पीछे से, ऐसे ऐसे मतलब पीछे से किसी ने पकड़ा वैसा, और मैं अंदर से बहुत ज्यादा डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। ऐसी चीजें होती है बहुत बार, और वो टाइम पे मैं आई थिंक एक या सवा एक हो रहा था वो टाइम पे,
और ये अपन जब इधर शिफ्ट कर रहे थे तब हो रहा था, हाँ। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। और मेरी स्किन ऐसा लग रहा था अभी खींच रहा है, ऐसे बोलते ना खींचने ऐसा ऐसा खींचता है उस टाइप, अभी भी दर्द है थोड़ा थोड़ा लेकिन ज्यादा वो टाइम पे ऐसा खींचने ऐसा लग रहा था बहुत। पता नहीं क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। अगर कोई चीज है तो हमसे कम्युनिकेट कर सकती है, हम किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप हो तो अपने होने का एहसास हमें दिलाओ, हमसे बात करो, हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं और हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं। या तो कैंडल बुझा दो, या तो पेपर खींच लो, या कुछ डोर नॉक करो, कुछ भी ऐसी मतलब कुछ भी करके दिखाओ हमको। आप कैंडल बुझा के भी हमें संकेत दे सकते हैं, कैंडल फ्लिकर करके संकेत दे सकते हैं, या फिर ये देखो हुई थी ऐसा हुआ था। हम कैंडल से इतने दूर है कि मतलब नहीं लोग बोल रहे हैं, फूक तो नहीं रहे, इसलिए अपना मुंह इस तरफ ही रखो। देखो फ्लिकर हुई, देखो मुंह इस तरफ ही रखो, हाथ ऊपर कर लो, लोगों को लगेगा कि हाथ हिला रहे भाई। फ्लिकर हो रही, क्लियर फ्लिकर हो रही है, पंखा वंखा सब बंद। गॉड कैसे पॉसिबल है ये, यहाँ पे कोई फैन हो ही नहीं सकता क्योंकि जो दूसरा दरवाजा है वो बहुत ज्यादा अंदर है, और विंडो आपके सामने मैंने बंद किया था बंद है, और इसके अलावा पूरे रूम में कोई विंडो कुछ नहीं है, भी नहीं है। मैंने आपको पूरा रूम दिखा दिया, अभी देखो, हाँ अभी देखो, ये वाली ज्यादा हो रही है, देखो फिर से वापस ये वाली हो रही है, ये वाली ज्यादा हो रही है, पता नहीं है फ्लिकर क्यों हो रही है। क्वेश्चन पूछो, अगर आप हमारे इर्द गिर्द हैं जैसा आपने अभी हमें संकेत दिए, नहीं मैं मान नहीं सकती। अगर आप हमारे इर्द गिर्द हैं जैसा आप हमें संकेत दे रहे हैं, तो आप इस पेपर को अपनी तरफ खींच के आप हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। आप इस पेपर को अपनी तरफ खींचिए और इसमें जवाब लिखिए, इसमें जवाब लिखिए, तभी हम इस चैलेंज को आगे बढ़ा पाएंगे, तभी हम इस रिचुअल को आगे बढ़ा पाएंगे। अगर आप हमारे इर्द गिर्द हैं जैसा आपने हमें संकेत दिए हैं, तो इस पेपर के जरिए हमसे कम्युनिकेट करें, हम आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि पहले सवाल का जवाब मिलेगा तभी हम आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो हमारे लिए इसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अजीब सा टम टाइप हो रहा है यार। कैंडल अभी भी फ्लिकर कर रही है, क्या हुआ? बहुत ऐसा टम ऐसा होता है, वैसा हो रहा है बहुत ज्यादा। खैर ये चीज आगे नहीं बढ़ रही है, और एक बार ट्राई करती हूँ मैं। अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है, जैसा कि आपने कैंडल फ्लिकर करके आप हमें संकेत दे रहे हो, तो आप या तो दरवाजा नॉक, आप पेपर नहीं खींच सकते, आप या तो डोर नॉक करो, या तो कोई भी आवाज ऐसे सुनाओ कि हमको लगे कि हाँ आप यहाँ पे हो। कोई भी ऐसी आवाज सुनाओ, या तो दरवाजा नॉक करो। हाँ, हमारे तीसरे नॉक के बाद आप दरवाजा बजा सकते हैं, जिससे हमें संकेत मिल जाएगा कि आप हमारे इर्द गिर्द हैं। ठीक है, ये पता नहीं ये क्या सुन रहे हैं यहाँ पे, ये इसको क्या हो गया, ये कहाँ जा रहा है? नो नो टको नो नो नो, तू कहाँ चल रहा है? नो, उधर रिचुअल के बीच में मत जा, तू पागल है क्या तू? नो टको, ये मेरे को सुन क्यों रहा है? पहली बार देख रहा है ये देखो इसको क्या हो गया। टको गो देयर, टको बाबू तो यहाँ पे मत आ, बाबू तो यहाँ पे मत आ। खैर मुझे लगता है जिया कि इस चैलेंज को अभी हमें यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो समय हो रहा है ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्म मुहूर्त के समय अगर हम कोई भी चीज ऐसी कंटिन्यू करें तो वो गलत हो जाएगा। हाँ। मन भारी भी हो रहा है, कुछ संकेत हमें मिल भी गए हैं कि वो चीज हमारे इर्द गिर्द है, जैसे कि कैंडल फ्लिकर करके, और कैंडल फ्लिकर अभी भी हो रही है, तो इस चैलेंज को हमें यहीं पर
डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। कैंडल बुझे उससे पहले हमको चैलेंज खुद ही बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, परमिशन लेना लेके एक बार बंद कर देते हैं हम। बिल्कुल, अभी इसको इसके लिए हमें लास्ट एक क्या बोलते हैं उसे, फेयरवेल, एक मंत्र होता है फेयरवेल के लिए। हाँ। वो हमें जरूर पढ़ देना चाहिए तभी खत्म होगा। हम्म। डे लाइट आते तक हम ये दरवाजा नहीं खोल सकते। अभी जो मैं बोलती हूँ जिसकी आवाज रात में नहीं बोलनी चाहिए उसकी आवाज अभी आई थी इधर, इससे पहले कभी नहीं आई है। अपन जब पुराने रूम पे करते थे वहां पे आती थी उसकी आवाज। वो पक्षी जिसका नाम रात में नहीं लेना चाहिए उसकी आवाज आई, अभी आई। अगर कैमरे में हुई होगी तो तुम खुद सुन सकते हो, अभी आई थी उसकी आवाज। देखते हैं टाइम पे हुआ ऐसा, आप लोग भी देख रहे हो, कुछ पता चले तो बताना। अब बस इतना ही बोलूंगा, नहीं अभी नहीं बोलूंगा, अभी तो फेयरवेल देना है। अब हम इस खेल को बंद करने जा रहे हैं, अब हम इस रिचुअल को बंद करने जा रहे हैं। अभी आपके घर जाने का भी वक्त आ गया है, अगर हमसे कोई भी गलती हुई होगी तो उसके लिए हमें माफ कर दें। अभी हम लोग इस रिचुअल को बंद करने जा रहे हैं, हम इसको अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर हमसे कोई भी गलती हुई होगी या तो हमने आपको हर्ट किया कोई भी बात से, तो प्लीज हमें माफ कर दें और हमें परमिशन दे कि हम ये गेम अभी यहाँ पे खत्म करें। हमें परमिशन दे कि अब हम ये गेम खत्म करें। हमें परमिशन दे कि ये गेम हम अभी खत्म करें। हमें परमिशन दे कि ये गेम अब हम बंद कर दें। हमें परमिशन दे कि ये गेम अभी हम खत्म कर दें। जैसा कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि फिर से कोई जवाब नहीं, कुछ भी जवाब नहीं मिला है। और इस रिचुअल को हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कुछ भी नोटिस हुआ हो। और बस इतना ही कहूंगा, दिस इज द एंड। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।